दोस्तों, अगर आपको भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल का 31वां मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया। इस मैच में बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। तो पहले बैटिंग करने आए बैंगलोर के ओपनर एरन फिंच और देवदत्त पेडिकल ने अच्छी शुरुआत दिलाई और पहले विकेट के लिए 4 ओवर में 38 रन जोड़े। दोस्तों, देवदत्त पेडिकल अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन अर्शदीप ने निकोलस पुरन के हाथों कैच आउट करवा के उनकी पारी को समाप्त कर दिया। पेडिकल ने 12 गेंदों में 18 रन बनाए, लेकिन दोस्तों दूसरे ओपनर एरन फिंच आज फिर लय में नजर नहीं आए और उनका खराब फॉर्म यहां भी जारी रहा। उन्होंने 18 गेंदों में 20 ही रन बनाए तो मॉर्गन अश्विन ने उन्हें बोल्ड कर 62 रन पर आरसीबी को दूसरा झटका दिया। दोस्तों, आज आरसीबी ने बैटिंग ऑर्डर में बड़ा बदलाव किया और अपने इनफॉर्म बल्लेबाज एवी डिविलियर्स की जगह वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग के लिए भेज दिया, जिसका खामियाजा आरसीबी को भुगतना भी पड़ा। जब तीसरे नंबर पर आए वॉशिंगटन सुंदर 14 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बना पाए और 86 रन पर ही आरसीबी को तीसरा झटका लग गया। दोस्तों, डिविलियर्स के बैटिंग ऑर्डर पर बदलाव करना कहीं न कहीं आरसीबी के लिए गलत फैसला साबित हुआ। उन्हें 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, लेकिन यहां पर डिविलियर्स रन नहीं बना पाए और 5 गेंदों में महज 2 ही रन बना पाए, जबकि पिछले मैच में डिविलियर्स ने नवाद 33 गेंदों में 73 रन बनाए और अकेले ही टीम को मैच जिता कर दिए थे। लेकिन यहां पर विराट कोहली का फैसला किसी को समझ में नहीं आया। अपने इस गलत फैसले की वजह से ही आरसीबी इस मैच में 30-40 रन कम बनाई, जब 136 रन पर 6 विकेट गिर गए थे, क्योंकि डिविलियर्स से पहले बैटिंग करने गए वॉशिंगटन सुंदर और शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर पाए। तो ऐसे में आरसीबी 150 रन तक भी पहुंचती नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन भला हो क्रिस मॉरिस का, जिन्होंने अंत में 8 गेंदों में ही 25 रन ठोक कर आरसीबी के स्कोर को 20 ओवर में 171 रन तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों, 172 रन पंजाब के लिए इस छोटे मैदान में कुछ भी नहीं थे, क्योंकि पंजाब के दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल और केएल राहुल इस आईपीएल में जबरदस्त फॉर्म में हैं। तो ऐसे में आरसीबी को कोई चमत्कार ही इस मैच को हारने से बचा सकता है, लेकिन आरसीबी तो इन दोनों ओपनर्स के सामने कोई चमत्कार नहीं कर सकी। जब राहुल और मयंक की सबसे कामयाब जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और एक बार फिर इस आईपीएल में दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन साझेदारी की और मात्र 8 ओवर में ही 78 रनों की साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में मयंक अग्रवाल ने खतरनाक पारी खेली और 25 गेंदों में ही 45 रन ठोक दिए, और ये जब तक खेल रहे थे तो लग रहा था पंजाब 3 ओवर पहले ही इस मैच को खत्म कर देगी। दोस्तों, राहुल और मयंक की सुपरहिट जोड़ी का कमाल आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमेशा ओपनिंग बैटिंग करने वाले क्रिस गेल को आज दूसरे नंबर पर भेजा गया, तो गेल ने भी टीम को निराश नहीं किया और वे भी आरसीबी के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए केएल राहुल का बखूबी साथ दे रहे थे। दोस्तों, केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, क्योंकि कप्तानी का बोझ होते हुए भी उन्होंने अपने बैटिंग में इसका दबाव नहीं आने दिया और एक बार फिर अपनी टीम के लिए उपयोगी पारी खेलते हुए मात्र 37 गेंदों में 50 रन बना दिए। तो वहीं आरसीबी इस मैच से निकलती जा रही थी, क्योंकि पंजाब को 30 गेंदों में सिर्फ 45 रन ही चाहिए थे और जिस तरह से गेल और राहुल बैटिंग कर रहे थे, वे 2 ओवर पहले ही इस मैच को खत्म कर देंगे। अब आरसीबी को इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी था इस मैच में बने रहने के लिए, पर आरसीबी तो विकेट नहीं ले पाई, लेकिन गेल और राहुल ने 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज की जमकर धुनाई करते हुए 2 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 20 रन बटोर लिए। अब 24 गेंदों में सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी और आरसीबी की हार तय हो गई थी, क्योंकि दोनों छोर से राहुल और गेल दोनों पिटाई कर रहे थे और 17वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर के गेंद पर 2 छक्के लगाकर 15 रन बटोर लिए। अब 18 गेंदों में मात्र 11 रनों की जरूरत थी, जिसे बड़ी आसानी से पाकर पंजाब को इस टूर्नामेंट में दूसरी जीत मिली। दोस्तों, आज अपना पहला मैच खेल रहे क्रिस गेल ने शानदार बैटिंग की और 50 रनों की पारी में ही उन्होंने 5 छक्के लगा दिए और पंजाब की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि अब तक गेल को टीम में न खिलाकर पंजाब ने बड़ी गलती की थी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।